हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये सबसे पहले ट्रिक है मेरे खीरे को लेकर। तो फ्रेंड्स, आजकल जो ये खीरे आ रहे हैं बहुत ही पौष्टिक हैं और ये देसी खीरा है। आजकल हमें खीरे का सेवन ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसके सेवन से हमारे शरीर में जो डिहाइड्रेशन की जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसे हमें ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके जो ये चंदे होते हैं, ये हमारे आँखों पर रखकर हमें बहुत ही आराम मिलता है। जब हम कहीं बाहर से आते हैं और हमारी आँखों में जलन हो रही होती है या गर्मी हो रही होती है, तो उस समय आप ये चंदे रख करके आप लेटिएगा तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा आराम तब मिलेगा तब आप चंदे पर दूध डाल करके रखेंगे, तो ये दूध से और भी ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद अपनी आँखों पे जरूर से रखिएगा, बहुत आराम मिलेगा। आप कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन हमसे गलती हो ही जाती है और उसमें होता है समय और पैसे का नुकसान। तो उसे बचाने के लिए मैं कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही उपयोगी हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये मैंने दही को जमाया है और ये मिर्ची के डंठल से हम दही जमा रहे हैं। इसमें हमें जामुन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा जो दही है वो कितना अच्छा जम करके तैयार हुआ है। और ये मैंने मिर्ची के डंठल से जमाया है, क्योंकि मिर्ची के जो डंठल होते हैं कुछ ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारा दही जमा सकता है। तो आपके घर में जब जामुन ना हो तो आप इस तरह से अपने दही को जमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और गाढ़ा दही जम करके तैयार हुआ है। तो आप इसी तरीके से आप अपने दही को जमा सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ये ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो जो घर का दही होता है वो एकदम फ्रेश होता है। जब हम बाज़ार से दही लेकर आते हैं कभी कभी खट्टा भी आ जाता है और वो हमें नुकसान। अब ये अगली ट्रिक आती है हमारी घी से संबंधित। ये जो हमारा देसी घी होता है, जब हम कोई घी बाज़ार से लेकर आते हैं तो उसकी तो एक्सपायरी डेट का पता होता है, लेकिन जो घी हम घर पर बनाते हैं उसको कोई पता नहीं होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है एक चुटकी नमक और हमें अपने घी के ऊपर हमें उसे छिड़क देना है। उसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है और इसी तरह से छिड़क कर ढक्कन लगा कर हमें रख देना है। तो इससे जो हमारा घी है ना वो ज़्यादा चलेगा, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। और अब दूसरी ट्रिक आती है हमारी मलाई को लेकर। जब हम रात को फ्रिज में दूध रख देते हैं, जब सुबह उठाते हैं तो उसमें चारों तरफ मोटी मोटी मलाई जम जाती है और साथ में चारों तरफ भगोने के किनारे पर भी जम जाती है। तो आपको इस तरीके से हमें चाकू से छुटा लेना है। इसको हमें इस तरह से ही नहीं रख देना है, नहीं तो हमारी मलाई जलकर ख़राब हो जाती है। तो गैस पर उबालने से पहले हमें ये मलाई को चाकू से इस तरह से निकाल लेना है। तो इससे आपकी मलाई बच जाएगी और इस मलाई को भी हमें निकाल लेना है। आप इस मलाई का घी बनाएंगे तो आपके घर में शुद्ध घी होगा, क्योंकि बाज़ार का घी हमें मिलावट का मिलता है और महंगा भी मिलता है। तो इस तरीके से आप मलाई को निकाल लेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके दूध पर जो मोटी मोटी मलाई आएगी ना, उससे आपका अच्छे से घी निकल पाएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई मैंने निकाली है। तो आप इसी तरीके से अपने घर में मलाई निकाल करके इससे घी बनाइएगा तो आपको घी भी शुद्ध मिलेगा। तो अब मैंने जबे बना लिए हैं और मैं एक चौड़ी प्लेट में लड्डू गोपाल जी के जबे ठंडे कर रही हूँ। आप लड्डू गोपाल जी का भोग जरूर से लगाइएगा। जब हमारे घर में कुछ बनता है तो हम अपने भगवान जी का भोग जरूर से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने भगवान जी को मुकुट पहना रहे हैं और भगवान जी को आप भोग जब लगाएं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता जरूर से डालिएगा। तो मैं अब जबे में तुलसी जी का पत्ता रखने के बाद ही भोग लगा रही हूँ, क्योंकि भगवान जी पत्ते के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। और अब तुलसी जी का पत्ता एक हमने उनके चरणों में भी चढ़ाया है। आप पत्ते को जरूर से भगवान जी को रोज़ चढ़ाइएगा, कान्हा जी को बहुत पसंद होता है और इसके चलाने से पुण्य भी बहुत प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी जरूर से रखिएगा और उनकी सेवा कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी आपको माता का पद प्रदान करेंगे। जब कभी हमारे चोट लग जाती है या हमारे हाथ में बर्म आ जाता है तो हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं उनमें अकड़न हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एक गिलास में गर्म पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और उससे ही हमें अपने हाथों की सिकाई करनी है। या आपके जहाँ भी चोट लगी हो तो आप इस तरह से एक हैंकी ले लें और गर्म पानी नमक से इस तरह से आप अपने उस हिस्से की सिकाई करें, तो इससे आपका दर्द काफ़ी कम हो जाएगा और सूजन भी उतर जाएगी और आपकी मांसपेशियाँ अच्छी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप नमक का यूज़ करिएगा, नमक का बहुत अच्छा यूज़ है। तो इसी तरह से आप अपने हाथों की या चोट लगे हिस्से की सिकाई कर सकती हैं। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी।